अजय कुमार उर्फ तेतर सिंह निमकी मुखिया के मुख्य किरदार स्टार भारत पिन का सीरियल आता था। ये हमारे पिता हैं। इन्होंने 5 साल पहले नाजायज़ संबंध किया और उससे इनके 2 बच्चे हुए। बाद में जाके इन्होंने शादी की। सारा वीडियो, सारी चीज़ें सर्कुलेशन मेरे पास हैं कि हमारी माँ को कम से कम न्याय मिले, हमारी माँ सामने आए, हमारी माँ पिक्चर में आए और उन्हें न्याय मिले। हमारा बस यही इस चीज़ में लिखा जोखा है। जस्टिस फॉर नीलिमा कुमारी, जस्टिस फॉर अ गर्ल ऑफ बिहार। विजय कुमार का नाम आपने सुना होगा, वही विजय कुमार जो निमकी मुखिया जैसे टीवी सीरियल में चर्चित कलाकार तेतर सिंह का रोल निभाया था, वो आज गिरफ्तार हो गया है। अब गिरफ्तारी की वजह भी आप समझ लीजिए। मुंबई से पटना आए विजय कुमार नौबतपुर गांव में चुनाव प्रचार प्रसार में आए थे। अब चुनाव प्रचार प्रसार में आने की वजह थी कि उनके छोटे वाले भाई मुखिया पद के उम्मीदवार थे और जिनके प्रचार में वो आए थे। वो मुंबई से पटना आने के दौरान अपने साथ साथ दूसरी पत्नी यानी कि गीता त्यागी जो एक्ट्रेस भी हैं और उनके छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं उन्हें भी ले आए थे। बस फिर क्या था, इसकी भनक पहली पत्नी नीलिमा कुमारी को और उनके जो बेटे थे उनको लगी और वो लगे हाथ पुलिस के साथ। गाँव नौबतपुर में एक छोटकी कोपा नाम के गांव है, वहां पर ये मौजूद पहली पत्नी नीलिमा कुमारी पुलिस के साथ साथ नौबतपुर गांव में मौजूद हुई और वहां पर जा कर के उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब उनकी गिरफ्तारी की हम सारी कहानी आपको बताते हैं। एक्ट्रेस विजय कुमार अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार के लिए यहां आए हुए थे। उनके भाई मुखिया पद के उम्मीदवार थे और अपने साथ साथ दूसरी पत्नी और उनके छोटे बच्चों को भी अपने साथ ले आए। इसकी जानकारी जैसे ही पहली पत्नी नीलिमा कुमारी और उनके बेटों को पड़ी, उसके बाद वो महिला थाने की पुलिस को खबर की और तब पटना से महिला थाना की टीम अपनी पहली पत्नी और बेटे के साथ गांव पहुंच गया और गांव में उन्हें पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर महिला थाना ले आया गया। एक्टर विजय कुमार को अभी महिला थाने में रखा गया था और थोड़ी देर पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूरा मामला जैसे कि आपको बताया गया सर कि विजय कुमार उर्फ तेतर सिंह निमकी मुखिया के मुख्य किरदार स्टार भारत पिन का सीरियल आता था। ये हमारे पिता हैं। इन्होंने 5 साल पहले नाजायज़ संबंध किया और उससे इनके 2 बच्चे हुए। बाद में जाके इन्होंने शादी की। सारा वीडियो, सारी चीज़ें सर्कुलेशन मेरे पास हैं। हमने सामने से बात करने की कोशिश की बट इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि हमने शादी नहीं की है। बाद में जाके सिविल कोर्ट में हमने केस अर्जित किया, नोटिस इनके पास गया, नोटिस इन्होंने फाड़ के फेंक दिया। हमारे घर पे, हम बॉम्बे में नौकरी करते हैं, हमारे घर पे कुछ लोगों को भेजा गया बरगलाने के लिए। हमारी माँ पे दबाव बनाया गया कि बच्चों को मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, घर पे ऐसे कर देंगे, बहुत काफ़ी मतलब कड़ी मशक्क़त की, मतलब कि केस हम लोग वापस ले लें। बट हम लोग हटे नहीं, हम लोग फिर ये मामला को लेके दानापुर, ये अपना गांधी मैदान हाई कोर्ट के पास गए। वहाँ पे 7-8 दिन डेट पड़े, मतलब 2 महीने तक डेट पड़े। मैं 2 महीने हर डेट में, मैं, मेरी माँ हमेशा हम लोग हाजिर होते थे। विजय कुमार 1-2 डेट पे हाजिर हुए मुश्किल से और बाकी डेट्स में हाजिर नहीं हुए। इनका अपना लेखा जोखा, अपना ये फिल्मी किरदार हैं, फिल्म लाइन में हैं, बट मुझे और हमारी माँ को, बिहार की लड़की को यहाँ पे जस्टिस चाहिए। जस्टिस फॉर नीलिमा कुमारी, उनको जस्टिस चाहिए। 5 साल से वो इनके पीछे भाग रही है, इन्हें ढूंढ रही है। मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ, विजय कुमार जो कि लापता हैं। आज के डेट में आज मुझे नवतपुर में, मेरा गाँव नवतपुर छोटकी कोपा ग्राम का रहने वाला हूँ मैं। बैद्यनाथ शर्मा का मैं बड़ा पोता हूँ। मेरे पिता विजय कुमार वहाँ पे मतलब नाटक मंडली के साथ बैठे हुए थे, तब जाके इन्हें ब्रजेश जी महिला थाना से हैं, काफ़ी उनके सहयोग के कारण इनको पकड़ के लाया गया है नवतपुर से यहाँ पे गर्दनीबाग महिला थाना में। और आगे की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे के बाद, सर ने बताया है कि 10 बजे के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आज के डेट में अभी इन्हें छोड़ा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, बट हमारा यही रिक्वेस्ट है कि मतलब इन्हें कम से कम ऐसे बताया जाए कि हमारी माँ को कम से कम न्याय मिले, हमारी माँ सामने आए, हमारी माँ पिक्चर में आए और उन्हें न्याय मिले। हमारा बस यही इस चीज़ में लिखा जोखा है। जस्टिस फॉर नीलिमा कुमारी, जस्टिस फॉर अ गर्ल ऑफ बिहार। एक्टर विजय कुमार की शादी नीलिमा कुमारी के साथ इनकी 1991 में हुई थी। इनके 2 बेटे भी हैं। नीलिमा का आरोप यह है कि मुंबई में रहने के दौरान विजय ने साल 2016 में एक्ट्रेस गीता त्यागी के साथ शादी कर ली। नीलिमा को इस बात का पता 2019 में लगी थी। उसके बाद विजय ना तो उन्हें तलाक दी और ना ही किसी प्रकार का आर्थिक सहायता दी।
ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह नीलिमा खुद को और अपने बच्चों की पेट पालती रही। इंसाफ के लिए उन्होंने महिला आयोग में भी गुहार लगाई। उन्हें वहां से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद 17 फरवरी 2020 की शाम गांधी मैदान स्थित कालिदास रंगालय में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में ही सालों बाद एक्टर विजय कुमार शामिल होने के लिए पटना आए थे। इस कार्यक्रम में उस वक्त बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे भी गेस्ट के रूप में आए और इस बात की जानकारी एक्टर की पहली पत्नी को मिल गई थी। ऐसे में क्या हुआ कि वो भी अचानक वहाँ पहुँच गई और DGP के पास जाकर लगातार रोने लगी। अब DGP इस पूरे मामले का संज्ञान लिए और इसके बारे में जाने। उसके बाद DGP के संज्ञान में आने के बाद ही उन्होंने नीलिमा कुमारी को महिला थाने जाकर FIR करने को कहा और उनके आदेश पर ही FIR कर लिया गया, जिसमें विजय कुमार के खिलाफ IPC धारा 498A, 494, 504 और 506 के तहत FIR नंबर 31/2020 दर्ज कर ली गई थी। अब मुखिया का जो चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान वो नौबतपुर स्थित अपने गांव में छोटे भाई के चुनाव प्रचार प्रसार में आ गए, खुद आए साथ साथ दूसरी बीवी और उनके छोटे छोटे बच्चे को भी ले आए। इसकी भनक पहली पत्नी नीलिमा कुमारी को लगी और वो महिला थाने के साथ पूरी टीम के साथ नौबतपुर पहुंच गई और उसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार कर उन्हें महिला थाना ले आया गया और आज सुबह उन्हें थोड़ी देर पहले जेल भेज दिया गया। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।